कोतवाली पुलिस भैया पांच छोरी बटेर बैठा रहा मोटरसाइकिल के आगे। देखो भैया हमारे मुंडी घुमावत रहा है, इस समय बैठे तो ऐसे की कारता लगे तो भैया ठंडी लग रही है, कोनो खतवा में बैठा दी है। हैरान मत मामला उत्तर प्रदेश बाराबंकी जिले के सहनगर कोतवाली का, जहां पर देख लो भैया अंतर जनपद ऑटो लिफ्टर गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से पांच छोरी मोटरसाइकिल बरामद की गई है और एक छोरी भैया मोटरसाइकिल के कटे फटे पार्ट्स बरामद किए गए। देखो भैया साइलेंसर रहा है, लोहा रहा है, इस समय मास्टर की लगा करके मोटरसाइकिल चोरी करते हैं और उसके बाद भैया उसको अलग अलग पार्ट्स में बेच डालते हैं। अंतर जनपदी ऑटो लिफ्टर्स गैंग को पकड़ा है और इनके इस कार्य में सर्विलांस और एसओजी की टीम ने भी पूरा सहयोग दिया है। अब नगर कोतवाल संजय मोहरा की तारीफ करनी पड़ेगी भैया कि बहुत बढ़िया गुड वर्क किया और आखिरकार भैया ऑटो लिफ्टर गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी सब भैया शहर के लड़का, कोनो फतेहाबाद का रहने वाला, कोनो दशहराबाग का रहने वाला, कोनो सुकलई का है तो कोनो बगदा पीर बटावन का। इस सब जगह भैया मोटरसाइकिल के पास जाते हैं, सुनसान मोटरसाइकिल दे करके मास्टर की लगा करके मोटरसाइकिल की चोरी करते हैं, उसको छुपा देते हैं, फिर अलग अलग पार्ट्स में बेच डालते हैं। इसमें एक हरिनाम नाम का है जो मोटरसाइकिल के पार्ट्स काट काट करके अलग करता है और उसका साथी है सर्वर, जिसकी दुकान है, जो मोटरसाइकिल का मिस्त्री है, और वहाँ पर वो कटे हुए पार्ट्स को रखता है जिससे लोगों को पता नहीं चलता कि ये पुराने पार्ट्स जो है चोरी किए हैं या कैसे हैं। और इन लोगों का काम करने का तरीका क्या है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ये मोटरसाइकिल्स को देखते रहते हैं, जो लापरवाह हुआ उसमें मास्टर की लगा करके मोटरसाइकिल खोल लेते हैं और उनको कहीं छिपा करके जंगल में या जहाँ भी इनको माकूल स्थान दिखता है वहाँ रखते हैं और मौका देख करके उसका पार्ट्स काट करके ये अलग अलग बेच देते हैं। और ये कुल पांच मोटरसाइकिल, जिनमें से दो लखनऊ की और दो यहाँ की मोटरसाइकिलों के चोरी के बारे में अभियोग पंजीकृत है, जिससे वो कनेक्ट हो गई है एक मोटरसाइकिल का और उसका मिलान किया जा रहा है। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है और उन क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में अभी और तलाश भी की जा रही है। हाँ, पुलिस टीम को भैया पुरस्कार मिलेगा, लड़कों को जेल भेजा जाएगा और माँ बाप को ताना मिलेगा कि देखो फलाने का लड़का चोर निकला। भैया आप देखो भैया इतना का काम कतई मत करना, आप सभी को बगदा जागरूक करना चाहेंगे कि चोरी वोरी कतई मत करो, पढ़ लिख कर आइए, स्पेशल बनो, माँ बाप का नाम रोशन करो और बढ़िया गुड वर्क करो। पर फिलहाल दूसरी खबर देखिए। अब यो देखो भैया बाराबंकी जिले पुलिस उप महानिरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र के पहुंचे थे, साहब बगदा निरीक्षण भी कर रहे थे, पुलिस लाइन भी देख रहे थे, बैठक भी कर रहे थे और दिशा निर्देश भी दे रहे थे। एपी सिंह जी भैया पुलिस उप महानिरीक्षक है अयोध्या परिक्षेत्र के, बाराबंकी जिले में अचानक से आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए थे। इस दौरान एसपी दिनेश सिंह भी दिख रहे थे और तमाम सीओ भी दिख रहे थे और तमाम भैया पुलिस अधिकारी भी दिख रहे थे, सभी के साथ बकायदा बैठक कर रहे थे, आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे थे और एक साथ ही नगर कोतवाली का भ्रमण भी कर रहे थे, निरीक्षण भी कर रहे थे। और देखो भैया बाराबंकी जिले में एपी सिंह जी पुलिस उप महानिरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र के आए थे, हमने कहा बता दें आपको। फिलहाल बाराबंकी जिले में उत्तर प्रदेश के लिए एबीसी 4 की बात।